बिहार लोक सेवा आयोग के दूसरे चरण में शिक्षकों के नियुक्ति के लिए माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीयन व शुल्क जमा करने की तारीख समाप्त हो चुकी है। बीपीएससी के अनुसार आवेदन के लिए दो प्रक्रिया पूरी करनी अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन व शुल्क जमा की प्रक्रिया पूरी की है वही 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा नहीं किया है उनका रजिस्ट्रेशन स्वतः रद्द हो जाएगा। तीनों श्रेणी के विद्यालयों की 1,12,000 सीटों के लिए 5,79,064 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें से 5,72,636 ने ही शुल्क जमा किया। मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की एक सीट के लिए 5 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। एक सीट के लिए 5 दावेदार हैं। सचिव व परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण ने बताया कि 18 से 20 नवंबर की सुबह तक सर्वर मेंटेनेंस के कारण विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन और 32वीं न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा था। अब रजिस्ट्रेशन व शुल्क जमा करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 32वीं न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र भी डाउनलोड हो रहा है। 2 दिनों तक चले मेंटेनेंस वर्क के विरुद्ध आवेदन की तिथि में किसी तरह के विस्तार के इंतजार में अभ्यर्थी नहीं रहे। आवेदन की तिथि में विस्तार नहीं किया जाएगा। परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक विभिन्न पालियों में संभावित है। बीपीएससी पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिक की रिक्त 9,431 सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क व आवेदन 25 नवंबर तक स्वीकार करेगा। अब सिर्फ प्राथमिक के लिए आवेदन नए सिरे से स्वीकार किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।